Morning students, I am your educator Ashok. Today I am going to take on a very important topic of class 12th molecular biology, and we are always, you can expect question in boards or maybe NEET also. It's a very small topic, बहुत छोटा सा topic है और मैं expect करता हूँ कि आप अंत तक देखेंगे और इसमें से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं. So today what I'm going to talk about class 12 biology is molecular basis of inheritance, and molecular basis of inheritance I'm going to talk about central dogma. You know students, central dogma was given by Francis Crick in the year 1957. इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था फ्रांसिस क्रिक. 1957 में इसको दिया गया था. और सेंट्रल डॉग्मा क्या कहता है कि जो अनुवांशिकी होती है वो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है. दैट मीन्स दैट फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज यूनी डायरेक्शनल. वॉट यू वॉन्ट टू कन्वे कि डीएनए, वी नो डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड विच इज डबल स्टैंडर्ड, आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड विच इज सिंगल स्टैंडर्ड, एंड प्रोटीन. सो वॉट यू वॉन्ट टू कन्वे कि डीएनए से हमेशा क्या बनता है, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ऐसे फ्लो होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि प्रोटीन से आरएनए बने. तो हमेशा यूनिडायरेक्शनल उन्होंने कहा था कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है. तो जो प्रक्रिया होती है डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं बच्चों, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. इन हिंदी वी कॉल इट अनुलेखन. सवाल वन नंबर क्वेश्चन कैन बी आस्क यू नो, और यू कैन इवन गेट अ फिल इन द ब्लैंक्स कि और इज डीएनए और आरएनए, और यहाँ ब्लैंक दे देंगे. इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, वी कॉल इट ट्रांसक्रिप्शन. दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए, और देन अगेन फ्रॉम आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है. तो जो आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. इन हिंदी वी कॉल इट अनुवादन. अनुवादन क्या है, अनुवादन वो प्रक्रिया है जिसमें एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है. आरएनए इज फॉर्म, सॉरी नो, आरएनए फ्रॉम आरएनए प्रोटीन इज फॉर्म, एंड दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन. नाउ डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण. मतलब डीएनए से डीएनए को बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण. So what did we say? We show replication, transcription, translation. What is replication? Formation of DNA from DNA is known as replication. Formation of mRNA. Okay. Formation of, or you can even say ki a copying of genetic information from one strand of DNA is known as RNA. So how RNA form? We copy the genetic information from one strand of DNA, and that comes out, the formation of mRNA takes place, and from mRNA protein is formed, and that is known as translation या अनुवाद. Now बच्चों अब ना भी नो कि पहले ऐसे सोचा जाता था कि DNA से RNA बनता है, RNA से DNA नहीं बनता है, but now we know कि we can even make DNA from RNA. क्या कर सकते हैं, आरएनए से अपन डीएनए बना सकते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. क्या कहते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और या रिवर्स, दिस इज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा. सो व्हेन द क्वेश्चन आस्क व्हाट इज द रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा, तो द रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए. सो इट्स अ वेरी small topic, but this is very important topic because you can always be asked in one line of questions what is, like what is replication, what is transcription, what is translation, what is reverse transcription, what we call, you can even get a fill in the blank. If DNA is formed from DNA, this is known as replication. If mRNA is formed from DNA, this is known as transcription. If protein is formed from RNA, this is known as translation. And if DNA is formed from RNA, this is known as reverse central dogma. So in the next coming topics or lectures, I will cover one by one, like what is transcription,
what is translation, what is application, what is reverse heterodoma. It's not so simple, you know. There are lots of techniques and methods are involved. So information of this. So in the next chapters, in the next lectures, we'll pick one by one. Before that, I'll also talk about different types of enzymes, DNA polymerase, RNA polymerase. All these enzymes are very important because no reactions can take place in the absence of enzymes. So I'm sure you must be thorough with this small topic of molecular biology. That means replication, transcription, translation, and reverse transcription. Okay. So I'm sure you are, if you like this video, please do subscribe, like, and share. Thank you. Thank you so much.